गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल माई क्यूट होम गार्डन। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे किचन से निकला हुआ कुछ वेजिटेबल पील्स और फ्रूट्स पील्स है, जिसकी हेल्प से मैं बहुत ही अच्छा कंपोस्ट बनाने वाला हूं। और जो मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूं, इससे आपका जो कंपोस्ट है वो बहुत आसानी से बन भी जाएगा और बिना किसी स्मेल के, और बहुत ही आसानी से और जल्दी बनेगा। तो देखिए, आप ये वेजिटेबल पील से किन किन चीजों की जरूरत होगी मुझे ये बनाने के लिए, आप गुड़ देख सकते हैं, ये पहले से तैयार है कंपोस्ट है जो कि मैंने वेजिटेबल पील से ही बनाई है, मतलब किचन वेस्ट से ही बनाई है। तो इन तीन चीजों का मैं यूज करने वाला हूं, ये गुड़, ये वेजिटेबल्स। और इन वेजिटेबल्स को मैं जो है वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लूंगा, क्योंकि छोटे पार्ट में ब्रेक करने से डीकंपोज करने में बहुत आसानी रहती है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये गुड़ का पानी है, जो गुड़ मैंने लिया था इसको मैंने भिगो दिया है, आप गर्म भी कर सकते हैं ताकि जल्दी वो मेल्ट हो जाए, तो मैंने उसको गर्म करके मेल्ट कर लिया है। और ये गुड़ कंपोस्ट और ये वेजिटेबल जो पील्स और जो फ्रूट्स पील्स है, इन सबको मैं मिक्स करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इनको मिक्स कर रहा हूं, ये मैंने कुछ कंपोस्ट इसके ऊपर डाल रहा हूं, और ये जो मैंने गुड़ का पानी है, देखिए गुड़ के अंदर बहुत ही सारे न्यूट्रिशन होते हैं, आयरन वगैरह, और ये डीकम्पोज में हमारी बहुत अच्छी हेल्प करता है। तो ये मैं इसको पूरे को मिक्स कर लेता हूं। अगर आप हाथ से इसको मिक्स कर रहे हैं तो ग्लव्स का यूज जरूर करें, मैं हाथ से मिक्स नहीं कर रहा हूं, मैंने करनी ली है, आपको पता है जो मिस्त्री वगैरह यूज करते मेरे पास थी, तो मैं इससे इसको मिक्स करने वाला हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी वर्मी कंपोस्ट को, गुड़ को, और ये जो मेरे पास जो किचन वेस्ट था इसको मैंने मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसको एक बर्तन में भरने वाला हूं। देखिए, बर्तन में मैंने मैंने एक मटका लिया है, और देखिए ये मटका आपके घरों में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास मटका नहीं है तो आप कोई मिट्टी का गमला ले सकते हैं, या फिर कोई भी प्लास्टिक का गमला भी ले सकते हैं, पर मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि आप मिट्टी का ही बर्तन ले, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं तो थोड़ी हवा मिलती रहती है और डीकम्पोजिशन में आसानी रहती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मटके के अंदर मैं ये जितना भी मेरा मैंने मिक्सिंग किया था, गुड़ को, कंपोस्ट को और वेजिटेबल्स को, इसको मैं मिक्स कर इसमें फिल कर देता हूं। और ये देखिए, आपको मैंने फिल कर दिया है इसको इसके अंदर। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर जो कंपोस्ट मैंने बनाई है, जो खाद है, उसकी एक लेयरिंग कर दूंगा। उस लेयरिंग करने से क्या होगा कि अंदर ही अंदर ही डीकम्पोज हो जाएंगे। देखिए, वर्मी कंपोस्ट मिलाने का फायदा क्या है कि उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो धीरे धीरे इस पूरे वेजिटेबल जो पील्स होती है उनको कंपोस्ट में कन्वर्ट करने लगते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पूरी तरह से वर्मी कंपोस्ट में कवर कर दिया है। अब मैं इसको ढक दूंगा, ये पॉलिथीन, और ये देखिए ढक दी, ये देखिए जगह थोड़ी सी रहे, हवा इसके अंदर जो है वो जाती रहनी चाहिए, ठीक है। तो हवा जाना बहुत जरूरी है, अगर आप पूरी तरह से इसको पैक करते तो ऊपर से थोड़े होल कर दीजिए पॉलिथीन के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि 15 दिन के बाद जो हमारी वर्मी कंपोस्ट है वो लगभग तैयार होनी शुरू हो गई है, उसका जो वॉल्यूम है वो लगातार कम होता चला जाएगा। पूरा मटका मैंने भरा था और ये जो है आधे से थोड़ा सा ज्यादा अब मेरे पास रह गया है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छी जो वर्मी कंपोस्ट है वो हमारी बनने वाली है। तो फ्रेंड्स, हमें एक महीने तक इसका इंतजार करना होगा, एक महीने के बाद बहुत अच्छी वर्मी कंपोस्ट जो है वो तैयार हमारी हो जाती है। तो ये मैंने इसको ढक के रखा हुआ है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने किस तरह से इसको ढक के रखा हुआ है।
तो और ये डीकम्पोज धीरे धीरे होता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो लगातार कम हो चुका है और लगभग लगभग 1 महीना जो है वो इसको हो चुका है। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ 1 महीने बाद का रिजल्ट। तो अब मैं इसके अंदर से जो है वो निकालने वाला हूँ कंपोस्ट को, और आप वेट कीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पॉलिथीन के ऊपर मैं इसके अंदर जो मेरी वर्मी कंपोस्ट है देखता हूँ कि तैयार हुई है या नहीं हुई है। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ किसी भी बर्तन की हेल्प से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ मिट्टी की लेयरिंग भी की थी। आपको मिट्टी की लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें से मैं जो है वो धीरे धीरे करके जो है वो अपनी कंपोस्ट जो है वो निकाल लूंगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 महीने के बाद जो मेरी कंपोस्ट है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बाजार में या नर्सरी में मिलने वाली वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट की तरह ही ये नजर आ रही है। आप देख सकते हैं बहुत ही फाइन जो है वो बनी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि इसमें मैंने पहले से कंपोस्ट और गुड़ मिलाया है और मैंने उन सबको एक साथ मिक्स करने के बाद डाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी वर्मी कंपोस्ट जो है वो मेरी कंपोस्ट जो है वो बन चुकी है और बहुत अच्छी ये खाद बनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए पूरी कितनी इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, बिल्कुल खाद जैसी है, कोई इसमें फर्क नहीं है। कलर भी अच्छा खासा है। अगर आप थोड़ी सी मिट्टी इसमें डाल देते तो कलर थोड़ा ब्लैक की जगह ब्राउन हो जाता है, पर उससे कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है। देखिए बहुत ही अच्छी वर्म कंपोस्ट या कंपोस्ट हमारी जो है वो बन चुकी है। देखिए बहुत ही फाइन क्वालिटी की कंपोस्ट हमारी बनी है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो कंपोस्ट हमने बनाई है ये पूरी तरह से माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट से भरी हुई है और इससे बेहतर खाद आपके पास हो ही नहीं सकती। बहुत ही मुफ्त में ये खाद आपको मिली है, बिल्कुल फ्री में, जो आपके घर की किचन वेस्ट है उससे ये खाद हमने बनाई है। देखिए कितनी अच्छी हमारी खाद बनी है। तो इस खाद को अब हमें क्या करना है कि 2 से 3 दिन के लिए हमें इसको सुखा देना है, पूरी तरह से ड्राई कर देना है। और ड्राई करने के बाद इसको हमें जो है वो अब छन्ने की जो छानना होता है उसकी हेल्प से हम छान सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं। छानने से क्या होगा, जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएंगे और हमें एक फाइन क्वालिटी की जो कंपोस्ट है वो मिल जाएगी। तो देखिए छानना है और इसकी हेल्प से मैं इसको छानने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये फाइन क्वालिटी की जो कंपोस्ट है वो हमारी तैयार हो चुकी है। देखिए काफी अच्छी खाद बनी है ये, आपके किचन वेस्ट से बहुत ही बेहतर खाद आपने बना ली है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल माई क्यूट होम गार्डन को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने भी इस तरीके को अपनाया है और कितनी आपको इसमें सफलता मिली है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।